बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेक्चर नंबर 21 के साथ आई एम प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मोहसिन। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजीज़ फॉर डेवलपिंग सिस्टम्स के बारे में। टेक्नोलॉजीज़ फॉर डेवलपिंग सिस्टम्स रिव्यूज़ एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग एप्लीकेशंस। हम आज इसमें जो है वो जो एवोल्यूशन हुआ है सिस्टम डेवलपमेंट का और किस तरीके से हम कहाँ से चले थे कहाँ पे पहुँचे उसको थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे। इट डिस्कसेस अंडरलाइनिंग टेक्नोलॉजीज़, उसमें हम अंडरलाइनिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे, डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़ की बात करेंगे और फिर इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। केस एग्जाम्पल इंक्लूड डूपॉन्ट केबल मैनेजमेंट सर्विसेज, MGM, कोलगेट पाम ऑलिव, अ टेलीकम्युनिकेशन फर्म, हांगकॉन्ग एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग एंड बैकिंग विद अ डिस्कशन केस ऑन एक्सॉन मोबिल। सो टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपिंग सिस्टम पे ये वाली सारी इस टॉपिक पे हमारी बातचीत होगी। इसमें से वॉट वी विल डिस्कस इन टूडेज लेक्चर, हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फाउंडेशंस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट को देखेंगे, हमने स्ट्रक्चर डेवलपमेंट से फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस की तरफ आना है, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग को देखेंगे, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या केस को देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को देखेंगे और फिर इंटरनेट पे हम क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग को भी देखेंगे। सिस्टम इंटीग्रेशन जो हम ERP में करते हैं सिस्टम्स में और मिडलवेयर में किस तरीके से करते हैं इसको आज हम कवर करेंगे अपने आज के लेक्चर में। सो इंट्रोडक्शन में, डेवलपिंग न्यू सिस्टम इज अ डिफिकल्ट जॉब, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल। सो अगर कोई चीज भी खराब हो सकती होगी तो वो हो जाती है, मर्फीज लॉ है। दो देयर इज अ प्रोग्रेस इन इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम, सो उसके बावजूद भी प्रोग्रेस भी होता है और हम अगर बिल्डिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाएं तो प्रोग्रेस अपनी जगह होगी। हिस्टोरिकली 1970s जो थी वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तरफ थी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम चला रहे थे। 80s में फ्रेंडली लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज कोड जनरेशन आई। 90s में जो है वो रिलायंस इंक्रीज्ड ऑन पैकेजेस हो गए, डेवलपर प्रोडक्टिविटी जो है वो अप हो गई और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ग्रोथ ऑन इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज सिस्टम एंड अडॉप्शन ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम जो है या ERP की तरफ हमारा जाना हो गया। लेट 90s ने जो है वो सडन इमरजेंस ऑफ ई बिजनेस एंड इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स की तरफ ले आया। 2000s जो है वो इंटरनेट ब्रॉड नीड फॉर फास्टर सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज सिस्टम की तरफ ले आया। हिंस न्यू टूल्स फॉर रैपिड डेवलपमेंट बिकम अवेलेबल, रिलाइंग ऑन रीयूजेबल कंपोनेंट्स एंड ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो बढ़ गई। These days, virtually every application is a network application since the network is becoming the system. Web-based applications were the first generation of internet-centric computing. The new field, web services or whatever people are calling it, is touted as the second. In addition, the increasing interconnectedness of supply chain is leading companies to build inter-organizational system. Far more complex undertaking than any single company system. So, अब क्योंकि सारी चीज़ें इंटरनेट पे हैं तो नेटवर्क सिस्टम तो जो मैंने कहा था कि सीमलेस पार्ट हो गया है, प्रोवेसिव हो गया, हर चीज़ में मौजूद है। वेब बेस्ड जो था वो जनरेशन जो थी वो हमने वेब बेस्ड अप्लीकेशन जो थी वो फर्स्ट जनरेशन उस जमाने के लिहाज से कही, ये इंटरनेट सेंट्रिक कंप्यूटिंग थी। लेकिन अब जो वेब सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये सेकेंड जनरेशन है और ये इसको आप जो भी नाम ले लें। और इसके अलावा अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट आ गई है वो सप्लाई चेन्स ने तमाम कंपनीज़ को इस तरफ ले आए हैं, लीडिंग कंपनीज़ को, वो इंटरकनेक्टेडनेस जो आपस में कनेक्शन है उसको और इंक्रीज करें। और अब जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम नहीं बनाएं बल्कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम बनाएं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलके जो सिस्टम बना सकें। अब ये फार मोर कॉम्प्लेक्स है,
क्योंकि सिंगल कंपनी सिस्टम तो एक ही तरीके से फॉलो हो रहा था ना, लेकिन अब डिफरेंट कंपनी का अगर आप एक यूनिफाइड सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो इमेजिन अगर वहाँ से प्रोसेसेस डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं, उन प्रोसेसेस को आईटी पे लाना अच्छा खासा मुश्किल काम होगा। फाउंडेशंस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट में क्या है, इन द अर्ली ईयर सिस्टम डेवलपमेंट वॉज कंसिडर्ड अ क्राफ्ट, वो पहले एक आर्ट था, क्राफ्टिंग करते थे बड़े स्लोली 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 तरीके से, जिस तरह क्राफ्ट वुडन क्राफ्ट या स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाते हैं। देन ये डिसिप्लिन थ्रू स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, फिर ये स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से एक डिसिप्लिन बन गया। फिगर इज द क्लासिक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बता रही है, वाटरफॉल अप्रोच बता रही है, जो क्लासिक सिस्टम डेवलपमेंट का तरीक़ाकार बन गया था। मच टाउटेड बट रेयरली प्योरली यूज, बहुत इसके बारे में बोला तो बहुत गया लेकिन बहुत कम ही ये कम्प्लीटली वाटरफॉल मॉडल यूज हुआ हो। डिवेल्पर्स रियली ऑलवेज फॉलोड द स्पायरल अप्रोच, वो स्पायरल अप्रोच को ज़्यादातर डिवेल्पर्स फॉलो करते थे। सो अगर हम वाटरफॉल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो ये था कि सिस्टम रिक्वायरमेंट पहले गैदर की जाती थी, उनको वैलिडेट किया जाता था, फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदर की जाती थी, उनको वैलिडेट किया जाता था, और अगर उनकी वजह से सिस्टम रिक्वायरमेंट को चेंज करना पड़ता था तो अब ये साइकिल यूं ही चलता रहता था। जब एक दफ़ा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेट हो जाती थी तो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन बनता था, उसको मुताबिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को अगर चेंज करना पड़े तो वो करना पड़ता था, और अगर उसके मुताबिक सिस्टम रिक्वायरमेंट को चेंज करना पड़े तो वो करता था। प्रिलिमिनरी डिज़ाइन से जब वैलिडेशन हो जाती थी तो डिटेल डिज़ाइन बनता था, वंस अगेन अगर कहीं भी चेंज सिस्टम रिक्वायरमेंट में चाहिए तो आप स्टेप बाई स्टेप पीछे जाते थे। डिटेल डिज़ाइन की जब वैलिडेशन हो जाती थी तो कोडिंग होती थी और उसकी डीबगिंग शुरू हो जाती थी, जब उससे हम फारिग हो जाते थे और पीछे हमें नहीं जाना पड़ता था तो डेवलपमेंट टेस्ट स्टार्ट होता था। वंस डेवलपमेंट टेस्ट पास हो जाता था, टेस्ट एंड प्रिपरेशन हो जाती थी कि हम इस प्री ऑपरेशन हम शुरू कर देते थे कि हम इसका एक जनरल रन करते थे कि हम इसको वैलिडेट कर लें कि ये जो कुछ हमने बनाया है वो ठीक भी है या नहीं है। अगर उस वैलिडेशन में कोई प्रॉब्लम है तो हमें स्टेप बाय स्टेप उस तरह से पीछे जाना पड़ता था, लेकिन अगर कोई वैलिडेशन टेस्ट जब पास हो जाता था तो फिर ऑपरेशनल मेंटेनेंस और रीवैलिडेशन होती थी। अब ऑपरेशन मेंटेनेंस और रीवैलिडेशन के दरमियान जब भी कोई चेंज आती थी तो वो स्टेप बाय स्टेप पीछे होती थी और इवेंचुअली सिस्टम रिक्वायरमेंट, और इस तरीके से ये वाटरफॉल मॉडल होता था कि आहिस्ता 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 वाटर ऊपर से नीचे फॉल करता चला जाता था। और ये इसीलिए हमने कहा कि बहुत ज़्यादा बोला तो गया, यूज़ बहुत कम किया गया क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़रूरत से ज़्यादा थी। उसके मुकाबले में जो हमने बात की कि बहुत ज़्यादा डेवलपर्स ने यूज़ किया, वो स्पायरल मॉडल था। इसमें आपको स्पायरल की शक्ल में चलना होता था कि आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना दी तो फिर आपका डिज़ाइन बन गया, उस डिज़ाइन की बेसिस पे डिज़ाइन जब ठीक हो गया तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन हुई और टेस्टिंग हुई, और यूं आपका एक लाइफ साइकिल बना, उसके बाद दूसरा लाइफ साइकिल बना और फिर इवेंचुअली तीसरा लाइफ साइकिल बना, और ये काम इस तरीके से होता चला गया। सो आपका एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद गैदर करने के बाद आप एक डिज़ाइन करते थे, उस पर एक इम्प्लीमेंटेशन करते थे, उसको टेस्ट करते थे, और फिर अगर रिक्वायरमेंट को इतने चेंज लानी पड़ती थी तो वो फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की तरफ चला जाता था और डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, और यूँ एक स्पायरल मॉडल बन गया। यानी ये भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस था लेकिन बहरहाल था। फाउंडेशन ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट को हम कंटिन्यू करते हैं। द ट्रेडिशनल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ये थे कि हैंड कोडिंग इन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल कोबॉल, ये बिजनेस लैंग्वेज थी, और ये उसमें जो है इनिशियली तमाम जितने भी कोडिंग हुई बिजनेस रिलेटेड, उसकी आईटी बेस्ड बिजनेस रिलेटेड सिस्टम्स की, तो वो कोबॉल में ही हुई। ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थी, इसकी डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी थी, फिर ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम आया और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया। सो हमारी पहले हैंड कोडिंग या थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में काम हुआ जहाँ पे आप फिजिकल कोडिंग करते थे, फिर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज आ गई, आपने उसके मुताबिक काम शुरू किया,
फिर उसकी ऑटोमेटेड जो है मैनेजमेंट सिस्टम आया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम आया जिसको कि, या फिर उसमें पे जब डेटाबेस बनना शुरू हो गए तो डेटाबेस मैनेजमेंट की, तो ये एक सिस्टम डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक थी किसी भी ट्रेडिशनल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। फिर मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड बैच एप्लीकेशन इन द सेम सिस्टम, फिर जब ऑनलाइन आना शुरू हो गए तो फिर ऑनलाइन और बैच एप्लीकेशन का मिक्स आने लगा। डेवलपमेंट ऑफ मोस्टली मेन फ्रेम एप्लीकेशन, उस जमाने में फिर मेन फ्रेम एप्लीकेशन ही बनती थी। प्रोग्रामिंग बाय प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स ओनली, प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स कर सकते थे, कोई और कर ही नहीं पाता था। वेरियस ऑटोमेटेड बट नॉट वेल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स बन गया उस वक्त। अ वेल डिफाइंड साइन ऑफ प्रोसेस फॉर सिस्टम डिलीवरी, जो आपका साइन ऑफ करने का तरीका था सिस्टम को कि आप सिस्टम में को कैसे पहुंचाएंगे, उसका वो वेल डिफाइंड था। यूजर पार्टिसिपेशन मेनली इन रिक्वायर्ड डेफिनेशन एंड इंस्टॉलेशन फेसेस, सो यूजर से जब रिक्वायरमेंट ले रहे होते थे डेफिनेशन की, तब हम उसको यूजर को इन्वॉल्व करते थे, या जब हम इंस्टॉलेशन कर देते थे उस फेज में फिर यूजर को इन्वॉल्व करते थे, वरना सारा काम जो है वो आईटी स्पेशलिस्ट और बड़े ही प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स कर रहे होते थे। अब अगर हम इस क्वेस्ट को फिगरेटिवली देखें तो हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन इट, उसने किस तरीके से किया था, प्रोजेक्ट लीडर ने उसको किस तरीके से समझा, वो यूं इस तरह थ्री स्टेप का एक झूला चाह रहा था, प्रोजेक्ट लीडर ने जो है ना उसको यूं समझा कि उसको यार यूं करके बना के दे दो, सिस्टम एनालिस्ट ने कहा कि यार ये बीच में अब आ गया है, रुकावट आ गई है, इसको रुकावट को हटा दो तो ये झूला बन जाएगा, प्रोग्रामर ने जिस तरीके से राइट किया वो झूला कहीं से झूल ही नहीं रहा था, बिजनेस कंसल्टेंट ने जिस तरह इसको डिस्क्राइब किया वो उसको ये चाहिए था कि वो आसानी से उसमें बैठ सके, डॉक्यूमेंट जिस तरीके से किया गया वो बिल्कुल ही किसी की समझ में नहीं आया, ऑपरेशन जिस तरह से इंस्टॉल्ड हुए वो तो उसके लिए कहीं से यूज ही नहीं हो पाता था, और इस काम के लिए कस्टमर के वो जो बिल दिए गए तो वो उनके लिए जो है वो बिल्कुल ही रोलर कोस्टर राइड बन गई। और जब उसको सपोर्ट किया गया तो कोई साया नहीं था, लेकिन कस्टमर को जो चाहिए था वो सिर्फ एक स्विंग चाहिए था, टायर लगा हुआ होना चाहिए था, उसके बीच में से वो गुजर जाए। ये सिस्टम डेवलपमेंट की क्वेस्ट थे इनिशियल लेवल पे, और लिटरली बहुत सारे केसेस में ऐसा ही कुछ हुआ था। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज क्या थी, अकम्पनीड दिस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन अटेम्प्ट टू मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, वो इस तमाम लाइफ साइकिल्स के स्टाइल को लेके चली और इन कॉम्प्लेक्सिटीज को लेके चली, और ताकि सिस्टम डिजाइन और डेवलपमेंट हो सके। मोर डिसिप्लिन establish standards for processes and documentation to increase productivity and developers ability to deal with complexity, जब उन्होंने ये देखा कि डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई हैं तो उन्होंने स्टैंडर्ड्स को और बढ़ा दिया और डिसिप्लिन को और स्ट्रॉन्ग किया, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो है कॉम्प्लेक्सिटी को डील करने के लिए एसेंशियल है डॉक्यूमेंटेशन, हायर रिलायबिलिटी एंड फ्यूअर एरर्स टू कैच एरर्स एज अर्ली एज पॉसिबल थ्रू इंस्पेक्शंस, उन्होंने ये कहा कि इंस्पेक्शंस के जरिए हम एरर्स को जितनी जल्दी रिमूव कर सकें, पहले तो उनको आइडेंटिफाई कर सकें, फिर आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव कर दें, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी और ये जाहिर बात है कि हायर रिलायबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोचेज रिजल्टेड इन, तो जब और भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अप्रोचेज उसके अंदर डाल दी गई तो एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज़ हुए, और उससे हमें क्या फ़ायदे हुए, कॉस्ट सेविंग्स हुई, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हुई, बेटर एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हुए, रिड्यूस द टेंडेंसी फॉर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ओवररन्स। उसने टेंडेंसी जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ओवररन पे रिड्यूस कर दी, लेकिन फिर भी सारा जो है स्टिल अ प्रॉब्लम, फिर भी प्रॉब्लम अपनी जगह मौजूद रही।
अर्ली 90s में जब 4GL यानी फोर जनरेशन लैंग्वेजेस और प्रोटोटाइपिंग का आ गया, तो फिर क्या हुआ? 4GLs आर मोर देन जस्ट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, दे आर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो फिर कंप्यूटर लैंग्वेज से हट के हम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में आ गए। उससे क्या हुआ, फोर दीज अलाउड एंड यूजर्स टू डेवलप सम प्रोग्राम्स। उन्होंने एंड यूजर्स को ही प्रोग्राम बनाने की मौके दे दिए, प्रोग्रामर्स टू यूज डिफरेंट डेवलपमेंट मेथड प्रोटोटाइपिंग। प्रोग्रामर्स का काम ये हो गया कि अब वो प्रोटोटाइपिंग करें, पहले प्रोटोटाइप बनाएं, पूरा सिस्टम डेवलप पहले ना कर दें और प्रोटोटाइप को टेस्ट करवाएं। सो जो फीचर्स और फंक्शंस ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस थे, सबसे पहले तो डाटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS आ गया, डाटा डिक्शनरी बन गई उसके लिए, नॉन प्रोसीजर्स लैंग्वेज बन गई। कोबोल बहुत ही प्रोसीजर्स थे, बहुत मुश्किल था उसको समझना, इसीलिए बड़े ही एक्सक्लूसिव प्रोग्रामर्स चाहिए होते थे। इंटरेक्टिव क्यूरी फैसिलिटीज आ गई कि आपको क्यूरीज अगर डालनी है तो उसके लिए पूरे पूरे प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, आप इंटरेक्टिवली क्यूरी कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट जनरेटर उसके अंदर बिल्ट इन था कि आपकी रिपोर्ट खुद ब खुद जनरेट हो जाए। सिलेक्शन एंड सॉर्टिंग उसका पार्ट एंड पार्सल बन गया। स्क्रीन फॉर्मेटर जो है वो उसके अंदर मौजूद होता था, पूरा स्क्रीन आपके सामने आ जाता था। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ये कहाँ पे आना है, इसको कैसे आपने हैंडल करना है और पूरे स्क्रीन, तो वो पूरा स्क्रीन आपके सामने होता था आपके लिए। आउटपुट को जनरेट और इनपुट एंट्री को जनरेट करना आसान हो गया। वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर उसका पार्ट बन गए। ग्राफिक्स उसके अंदर बिल्ट इन आ गई। डाटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग टूल्स भी उसके अंदर थे। लाइब्रेरीज ऑफ मैक्रोज, वो फंक्शंस जो आपको बार बार परफॉर्म करने थे, लेट सपोज के रेंडमाइजेशन का कर रहे हैं या आप सॉर्टिंग और या आप समेशन कर रहे हैं या आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो मैक्रोज लिख दिए गए और उन मैक्रोज के जरिए आप उनको कॉल कर लेते थे। इसी तरह से प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस आ गए कि आपको मुख्तलिफ इंटरफेसेस अगर आपने बनाने हैं उनको कैसे यूज प्रोग्राम किया जा सकता है। रीयूजबल कोड्स आ गए, आपको एक ही चीज़ के लिए बार बार कोड लगने की ज़रूरत नहीं होती थी, आप रीयूज़ कर लें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइब्रेरी बन गई ताकि जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा हो उसकी लाइब्रेरी में मौजूद हो, इसीलिए वो रीयूज़ हो सकता था। बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम्स आ गए, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेफगार्ड्स आ गए, और फिर वो लिंक टू अदर DBMS। तो अगर आपने एक DBMS ले लिया और दूसरे DBMS में कनेक्ट होना है तो उसके दरमियान भी लिंक बन के फोर्थ जनरेशन्स में आ गया लैंग्वेजेस में। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? अ लाइव वर्किंग सिस्टम परफॉर्म्स एक्चुअल वर्क, मे बिकम एक्चुअल प्रोडक्शन सिस्टम और रिप्लेस बाय अ न्यूली कोडेड वन। तो हम क्या करते थे कि हम एक छोटा सा वर्किंग एनवायरनमेंट बना देते थे, जैसे ही यूजर ने कुछ बताया कि हम उसने अपनी रिक्वायरमेंट दी, उसको एक्चुअल टास्क करवा रहे के दिखा रहे होते थे। जब वो उस प्रोटोटाइप को ठीक, उसके टास्क को हम ठीक कर लेते थे तो हमें एक्चुअल प्रोडक्शन की तरफ जाना आसान हो जाता था। अगर हमने प्रोटोटाइप ही ठीक नहीं किया हुआ तो हमें नया कोड बनाना पड़ जाता था। इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था टू टेस्ट अजम्पशंस अबाउट यूजर रिक्वायरमेंट। तो यूजर से जो हमने रिक्वायरमेंट ली है हम उनकी अजम्पशंस को उसको बना के दिखाएं, क्या वही हैं जो हमें समझ में आई हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो एक रस्सी के साथ टायर बनवाना चाह रहा है और हमने उसको जो है वो एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसके बीच में दरख्त आ गया है और वो झूल भी नहीं सकता। सो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं बना दी, उसको टेस्ट करना हमारे लिए ज़रूरी था। फिर एप्लीकेशन डिज़ाइन के क्या उसको भी समझ में आ रहा है कि वो कैसे कर रहा है, और अबव ऑल जो प्रोग्रामिंग लॉजिक हमने लगाई है क्या हम उससे वो अचीव कर रहे हैं जो हम अचीव करना चाहते थे। सो ये प्रोटोटाइपिंग हमें ये सारे सॉल्यूशन दे रही थी। तो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग जो है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम क्रिएटेड क्विकली, लैंग्वेज क्रिएट्स कोड, लैंग्वेज के जरिए कोड बना के सॉफ्टवेयर सिस्टम बड़ी तेज़ी से बन जाता था। इटरेटिव प्रोसेस होता था, ईच वर्जन परफॉर्म फंक्शन इन एन इंक्रीजिंगली एफिशिएंट मैनर। हर वर्जन जो है वो फंक्शन को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता था। बोथ 4GLs एंड प्रोटोटाइपिंग हैव प्रूवन टू बी इम्पॉर्टेंट अंडरपिनिंग्स फॉर टुडेज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट वर्ल्ड। और ये जो प्रोटोटाइपिंग और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस थी, इन्होंने जो है वो अब जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट आजकल की जो वर्ल्ड है उसमें भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या केस को हम देखते हैं।
कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या केस को हम देखते हैं द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केस अकर्ड टू ऑटोमेट स्ट्रक्चर टेक्निक्स एंड रिड्यूस टीडियसनेस ऑफ द 1970s स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड एनालिसिस टेक्निक्स. कंपोनेंट्स जो थे केस के क्या थे, इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी थी, स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड टू क्रिएट मॉडिफाई एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम. सो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको खत्म करने के लिए एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी बना गई दी गई जो स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई एंड डेवलप सॉफ्टवेयर सिस्टम थी. फ्रंट एंड टूल्स बनाए गए यूज इन ऑल फेजेज दैट लीड अप टू कोडिंग. सो फ्रंट एंड केस बनाए कोड टूल्स बना दिए गए जो कोडिंग तक लेके जाते थे. फिर बैक एंड टूल्स बनाए गए जो कि यूज टू ऑटोमेटिकली जनरेट सोर्स कोड. सो वो सोर्स कोड बना देते थे. डेवलपमेंट ऑफ वर्क स्टेशन जो था द मोर पावरफुल द बेटर. तो हमारे वर्क स्टेशन जो है वो जितने पावरफुल होते गए उतना ही इस तरीके से काम करना और ज़्यादा आसान होता चला गया. एट लेट 80s यूज ऑफ केस नॉट स्टैंडर्ड इज टाइम बॉक्सिंग. सो केस के 80s में आके ये जो है उसको टाइम बॉक्सिंग के लिए यूज किया गया. टाइम बॉक्सिंग क्या थी, टेक्निक दैट यूजेस केस टू गारंटी डिलीवरी ऑफ सिस्टम विद इन 120 डेज. सो इसने जो है वो ये किया कि सिस्टम की डिलीवरी को 120 डेज में करवाने की कोशिश की. ये स्टैंडर्ड नहीं बन सका. टुडे आईएएस डिपार्टमेंट दैट एम फॉर स्पीड ओवर कॉम्प्लेक्सिटी आर टर्निंग टू डेवलपमेंट टेक्निक लाइक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और रैड. सो आजकल जो काम है वो रैड पे हो रहा है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ हो रहा है. 120 वाला जो है वो नहीं चल सका. सो अगर हम केस टूल को देखें मिडास के WEA के, तो वो कुछ इस किस्म का हो गया था कि आपके पास इक्विपमेंट मौजूद, आपके पास चीज़ें मौजूद थी, आप उनको मैश करते थे, आपके पास फ्रंट एंड में सारी चीज़ें मौजूद थी, आप कर रहे थे, और इसकी बैक एंड पे जो प्रोग्रामिंग थी वो सिस्टम खुद ब खुद कर रहा था. सो इस तरीके से ये काम हुआ. अब अगर हम डूपॉन्ट केबल मैनेजमेंट सर्विसेज को देखें जिन्होंने रैट को यूज़ किया टू मैनेज its telephones and wiring in its many offices. DuPont needed a cable management system. No packages on the market could handle its needs, so it called on DuPont subsidiary to use case and time boxing to build a custom system. Day one was the go ahead. Pehle din unko go ahead diya gya. Days 2 to 30 defined the component of the system. So दूसरे दिन से एक महीने तक जो है वो component of the system को define किया गया. दूसरे महीने के स्टार्ट से लेके एंड ऑफ थर्ड मंथ तक जो है डिज़ाइन द स्पेक्स, प्रोटोटाइप द सिस्टम एंड रिफाइन द प्रोटोटाइप विच बिकेम द प्रोडक्शन सिस्टम. सो उन्होंने स्पेक्स को डिज़ाइन किया, उसके ऊपर प्रोटोटाइप बनाए, उनको प्रोटोटाइप में जो एरर्स होती थी उनको सॉल्व किया, उसको रिफाइन किया, और फिर 90 डेज के बाद वो जो प्रोटोटाइप था वो प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट बन गया, प्रोडक्शन सिस्टम बन गया, पूरा फुल फ्लैश सिस्टम बन गया. 91 से लेके 120 तक इंस्टॉल द सिस्टम एंड अ सेकंड टाइम बॉक्स फॉलो. तो 120 डेज में वो टाइम बॉक्स जो है वो ख़त्म हो गया और वो उसमें सिस्टम को इंस्टॉल हो गया और फिर नेक्स्ट टाइम बॉक्स को फॉलो हो गया. द रिजल्टिंग सिस्टम विच टुक 9 months टुक others 2 to 3 years to develop in house. So the result जो आपने 9 month में काम किया यानी 4 महीने के अगर हम देखें दो उन्होंने जो systems time box बनाए उसमें जो system उन्होंने finally made possible in 9 months वो दूसरी companies को 2 से 3 साल लगाता था in house build करने के लिए, जिससे एक वो एवोल्यूशन हुई और वो टाइम बॉक्स ख़त्म हो गया और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ हम चले गए. 2 साल से हमने उसको 9 months पे कवर कर लिया, नीचे कर लिया. फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट शुरू हुई. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट वाज अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द लेट 1980s. डेवलप्स ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी रीयूज. उसमें ये हुआ कि आप ऑब्जेक्ट बना दें, उन ऑब्जेक्ट्स को बार बार यूज़ किया जा सके. इट अलाउड पॉइंट एंड क्लिक प्रोग्रामिंग ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. तो फिर उसने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उस जमाने में GUI जिसको बड़े हरफियाम में कहा जाता है, उसको
अलाउ किया। और जीयूआई में ये होता था कि आपको जो चीज़ भी, अगर आपको स्टार्ट बटन लाना है तो आपने ड्रैग किया, स्टार्ट बटन लगा दिया, अब वो उसके पीछे खुद ब खुद प्रोग्रामिंग हो गई कि आपके इस फॉर्म में स्टार्ट बटन है, एंटर बटन डालना है तो एंटर बटन आ गया, क्विट बटन डालना है तो क्विट बटन आ गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इट इज़ नॉट सो मच अ कोडिंग टेक्निक एज अ कोड पैकेजिंग टेक्निक। सो ये कोडिंग टेक्निक ना रही, ये कोड पैकेजिंग की टेक्निक बन गई। ऑब्जेक्ट क्या थे? ऑब्जेक्ट रिसीव रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मैसेजेस भी हो सकते थे, चूजेज एंड एग्जीक्यूट ऑपरेशन, वो चूज और ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट ऑपरेशन भी करते थे, एंड देन रिटर्न द रिजल्ट टू द रिक्वेस्टर, और फिर उस बेस पे वो जो भी रिजल्ट आता था वो रिक्वेस्टर को भेज देते थे। इट इज वेरी मॉड्यूलर, सो अ चेंज इन वन पार्ट ऑफ अ सिस्टम नीड नॉट अफेक्ट द अदर पार्ट। तो एक चेंज, एक पार्ट में सिस्टम के चेंज जो है किसी दूसरे पार्ट में चेंज की उसको जरूरत नहीं रहती थी। इन द 1990s क्लाइंट सर्वर्स कंप्यूटिंग और वेब बेस्ड डेवलपमेंट शुरू हुई, यानी कि टू डेवलपमेंट्स बिकम द मेजर न्यूज, क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स और वेब बेस्ड और नेटवर्क सेंट्रिक डेवलपमेंट। अंडरलाइनिंग दीज टू कंटिन्यूइंग ट्रेंड इज द इंक्रीजिंग यूज ऑफ पैकेजेस एंड सिस्टम इंटीग्रेशन। अब तक जो ये सिस्टम, ये जो डेवलपमेंट है ये चल रही है, इसकी वजह से जो है पैकेजेस और सिस्टम इंटीग्रेशन के टूल्स जो है ज्यादा यूज हुए। एज मच एज पॉसिबल कंपनीज प्रेफर टू बाय अ पैकेज रादर देन बिल्ड एन एप्लीकेशन इन हाउस। अब क्या होता है कि कंपनीज जो है वो पैकेज ले लेती हैं, उस पैकेज को यूज करना शुरू कर देती हैं बजाय इसके कि वो इन हाउस सिस्टम बनाए अपना। टू डेवलप लार्ज एप्लीकेशन दे इंटीग्रेट वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अब अगर उनको लार्ज एप्लीकेशन बनानी है तो वो जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पैकेजेस उन्होंने लिए हैं उनको इंटीग्रेट कर दें, वो एक पूरा सिस्टम उनका बन जाएगा। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या थी? दी सिस्टम स्प्लिट वर्क बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फार मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन मेन फ्रेम बेस्ड सिस्टम, उसने फ्लेक्सिबिलिटी दी। डेस्कटॉप ग्राफिक्स एनिमेशन वीडियोज उसमें आ गई। सर्वर जो था वो प्रोडक्शन और अपडेटिंग के लिए यूज होने लगे। सो डिडंट ऑलवेज लिव अप टू देयर प्रोमिसेज, ये अपने प्रोमिसेज पे ज्यादा ना चल सके। क्लेवर वे to meld the pizzas of the PC world with the necessary back-end production strength of mainframe world. ये उस वक्त cleverly ये किया, इसलिए लाया गया था कि हम blend कर सकें जो PC हमारे पास mainframe थे उनको, जो current PC उस जमाने में आ रहे थे उनको blend, उनको यानी हम mainframes का use को काफ़ी अर्से तक carry on करने के लिए इस blend को लेते आते रहे, इसीलिए उसने उतना ज़्यादा प्रोमिसेस को लिव अप नहीं किया। सो ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग था कि क्लाइंट मशीन यहाँ थी और सर्वर मशीन छोटी दिखाई है, सर्वर मशीन बहुत बड़ी होती थी और हम नेटवर्क के जरिए रिक्वेस्ट भेजते थे और रिजल्ट्स लेते थे। एनजीएम जो था कंपनी है, मेट्रो गोल्डविन मायर, बड़ी सारी फिल्में हमने इसकी देखी हैं, उसने जो अपना क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट बनाया उसको केस एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एम जी हैज अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ टीवी शोज एंड मूवीज, previously had over 26 disparate system on PCs. उनके पास क्या था कि 26 disparate system उन्होंने मुख्तलिफ PCs, 26 PCs में बनाए हुए थे। Its first client server application collected and consolidated all data on the film library so that the MGM would know what films they have rights to license to whom. सो उन्होंने क्या किया कि अपना क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बनाई और सारी जो डिस्पैरेट सिस्टम में चीज़ें पड़ी हुई थी उनको कलेक्ट किया, कंसोलिडेट किया और एक फिल्म लाइब्रेरी बना दी, जिससे एमजीएम को ये पता चलता था कि उनके कौन से फिल्म्स जो हैं, उनके कौन कौन से किस फिल्म के उनके पास राइट्स हैं लाइसेंस करने के और वो कहाँ कहाँ लाइसेंस कर सकते हैं। केस एग्जांपल हम वही चलाते हैं, एमजीएम फिल्म्स राइट सेल्स पीपल कुड विजिट द हेड ऑफ अ केबल टीवी नेटवर्क, वो किसी भी केबल टीवी नेटवर्क के हेड के पास जा सकते थे, प्ले 20-30 सेकंड क्लिप्स ऑफ देयर फिल्म यूजिंग द बिल्ट इन सीडी रोम, वो अपने सिस्टम के अंदर जो बिल्ट इन सीडी रोम था उसमें 20-30 सेकंड का क्लिप्स चलाते थे। ब्राउज द लैपटॉप्स इन्वेंट्री डेटाबेस टू वेरीफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ फिल्म, फिर वो लैपटॉप के इन्वेंट्री डेटाबेस के जरिए ये चेक कर लेते थे कि फिल्म अवेलेबल है। प्रिंट द लाइसेंसिंग डील मेमो ऑन द स्पॉट, वो उसी ऑन द स्पॉट प्रिंट करते थे लाइसेंसिंग मेमो और वो फिर उसको दे देते थे केबल नेटवर्क को कि वो चलाए। द सिस्टम हैड अ 3-tier आर्किटेक्चर एंड वॉज बिल्ट वाया प्रोटोटाइपिंग यूजिंग RGL रिम डेवलपमेंट टूल। सो उसमें 3-tier का आर्किटेक्चर था और वो प्रोटोटाइप की बेस पर बनाया गया था।
पार्टनरिंग इज मैंडेटरी विद क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, पार्टनरिंग जो है उनका बहुत ही जरूरी था। इस तरीके से रोल ऑफ आईएएस एट एमजीएम चेंज फ्रॉम सिस्टम डेवलपमेंट डिलीवरी टू वन कोऑपरेटिंग एंड पार्टनरिंग। सो रोल ऑफ आईएएस जो था वो डेवलपमेंट से हट के वो जो है कोऑपरेशन और पार्टनरिंग की तरफ चला गया। रिक्वायर्ड अ ह्यूज कल्चर शिफ्ट इन द रोल्स एंड एटीट्यूड ऑफ द आईएएस स्टाफ। अब इस चीज़ की वजह से कल्चरल जो था ऑर्गेनाइजेशनल शिफ्ट आया ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में और वो उनको मैनेज करना पड़ा। हार्डवेयर वॉज चीपर, डेवलपमेंट वॉज फास्टर एंड सॉफ्टवेयर वॉज चीपर। सो हार्डवेयर भी चीप हो गई, डेवलपमेंट तेज हो गई, सॉफ्टवेयर भी चीप हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट वर मोर एक्सपेंसिव देन एमजीएम एक्सपेक्टेड। ऑब्वियसली फिर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई वर्जन कंट्रोल ऑफ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज की वजह से एंड सिस्टम मैनेजमेंट वर मोर कॉस्टली। और उसकी सिस्टम मैनेजमेंट भी कॉस्टली थी इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ गई। सो अगर हम इसको समराइज करें, दीज टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट 4GLs प्रोटोटाइप केस और ओवर डेवलपमेंट यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट ने बेनतहा चेंज ले आए हाउ द सिस्टम शुड डेवलप। क्लाइंट सर्वर सिस्टम जो है हैव ऑल प्रूवन टू बी फाउंडेशंस ऑफ टुडे सिस्टम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आजकल जो सिस्टम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनी है वो सारी जो है क्लाइंट सर्वर सिस्टम की वजह से आई है। वी नाउ टर्न टू दैट टुडेज एनवायरनमेंट बिगनिंग फर्स्ट बाय डिस्कसिंग द मेन मेथड ऑफ बिल्डिंग सिस्टम सिस्टम इंटीग्रेशन। सो अब हम आजकल के दौर के जो एनवायरनमेंट है उसकी तरफ जाते हैं और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग सिस्टम यानी कि किस तरह से हम सिस्टम को बिल्ड करते हैं यानी सिस्टम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन क्या चीज़ है? इंटीग्रेशन इज बाय फार द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम CIOs फेस। अब इंटीग्रेटिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो CIO फेस कर रहे हैं। व्हाई ऑफरिंग्स दैट इंटीग्रेटेड सिस्टम जनरेट सो मच इंटरेस्ट। फिर भी इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम क्यों इतना इंटरेस्ट लोगों में बढ़ा रहा है? CIOs एंड ऑल CXOs have long strived to integrate the information system in their organization. ये सबसे पहले तमाम जितने भी CEOs थे, XOs का मतलब ये CEOs, CEOs and others including CIOs, उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये integration हो सके। integration में problem क्या थी कि ये complex था, expensive था और risky था। The project report explains system integration as an issue which has arisen from the development of computer information system for administration, student record, finance, human resource, etc. and teaching. So, ये जो था जो project report थी वो ये बताती थी कि ये बड़ा issue है, ये हम मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स इनको जब हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स आते हैं। द रिपोर्ट सेज दैट ओवर द लास्ट 10 to 15 इयर्स इंस्टीट्यूशन हैव मूव फ्रॉम यूजिंग सिस्टम बिल्ट इन हाउस टू यूजिंग सब सिस्टम बॉट फ्रॉम वेंडर्स एंड नीड टू मेक दिस सिस्टम इंटर ऑपरेबल। अब हमें ये पता चला था कि सिस्टम्स जो हैं वो इन हाउस बनने के बजाय वहाँ से जो है ख़रीद लिए गए थे वेंडर से। अब जब ये सारे सिस्टम अलग अलग ख़रीद लिए गए तो अब इनको कहीं ना कहीं तो आपस में एक दूसरे से मिलना है। दी सर्वे लिस्ट दीज एज द मेन ड्राइवर्स फॉर इंटीग्रेशन। वो सर्वे ने ये भी बताया कि क्या रीजंस हैं, कौन सी तीन रीजंस हैं जिनको कौन सी मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। टू इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को अपनी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है। टू सपोर्ट द स्टूडेंट एक्सपीरियंस मोर सीमलेसली, स्टूडेंट का स्टे इन द इंस्टीट्यूशन जो है उसको सपोर्ट करें ताकि उसको इधर से उधर उधर से उधर भागना ना पड़े। टू अवॉइड डुप्लीकेटिंग एंड री एंट्रिंग डेटा, और जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड जब स्टूडेंट के पास से आ गया तो फाइनेंस के पास भी वही रिकॉर्ड चला जाए, ह्यूमन रिसोर्स के पास भी वही रिकॉर्ड चला जाए, बार बार एंटर एक ही चीज़ को बार बार एंटर ना किया जाए। थ्री अप्रोचेज स्टैंड्स आउट, कौन कौन सी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स that allow applications to share data stored in a single or distributed database, उसकी वजह से डाटा को हम शेयर कर सकते थे।
फिर सेकंड थी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स. ऑल एप्लीकेशंस कम फ्रॉम अ सिंगल वेंडर एंड आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो अगर आपने अपना ईआरपी बेस्ड सिस्टम ले लिया है तो एक ही वेंडर का हो गया, जान छूट गई और काम आसान हो गया. मिडलवेयर एप्लीकेशंस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ थर्ड पार्टी ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर. अगर ये सब ईआरपी नहीं ले सके और आपने अलग अलग बना लिया है तो अब आपको मिडलवेयर चाहिए, एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जो तमाम डाटा को ले, उसको ट्रांसलेट करे और एक फॉर्म में ले आए. टिपिकली यूज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री. और जो हम टिपिकल यूज करते हैं वो कम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री यूज करते हैं. सो सिस्टम इंटीग्रेशन में हम ईआरपी को देखते हैं. ईआरपी सिस्टम एम्स टू इंटीग्रेट कॉर्पोरेट सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग अ सिंगल सेट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम अ सिंगल वेंडर ऑपरेटिंग विद अ सिंगल डेटाबेस. सो ईआरपी ऑब्वियसली हम ये कह रहे हैं कि एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम है और वो उसमें जो है एक ही वेंडर से तमाम चीज़ें ली जा सकती हैं. द गोल प्रोवाइड द मीन्स टू इंटीग्रेट बिजनेस डिपार्टमेंट एंड फंक्शन अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली उसका हमें ये फायदा होता है कि हमें इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा. हिस्ट्री ऑफ ई आर पी कंटेन्स बोथ सक्सेस एंड फेलियर्स, मेनी ऑफ विच हैव बीन स्पेशली नोटेबल. उन अब ई आर पी की हिस्ट्री में सक्सेस भी और फेलियर भी है. एवरेज कॉस्ट ओवर रन जो है वो 179% थी. एवरेज स्केजुअल ओवर रन जो है वो 230% हो गया था. फंक्शनली 59% बिलो एक्सपेक्टेशन थी. 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम इन बजट, 35 प्रोजेक्ट्स कैंसल्ड. इसके अलावा कॉमन टू होल्ड सिस्टम्स लार्ज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज. हम जब कॉमन होल्ड रखना चाहते हैं सिस्टम्स लार्ज साइज तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम होती है, टू मच अटेंशन टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो जाती है, नॉट इनफ टू ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट. तो हम ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट के बजाय टेक्निकल एस्पेक्ट पे टाइम ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं. सो ईआरपी एग्जांपल्स में हमारे पास ये आए कि एक ईआरपी सिस्टम बन गया. उस सिस्टम में जाहिर बात है हमें फाइनेंशियल, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री प्लानिंग, प्रोजेक्ट्स, सर्विसेज, एचआर, सीआरएम, सेल्स, सारी चीज़ें आ गई और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटीग्रेट हो रही थी और इन द मिडल जो है वो ईआरपी सिस्टम था. ऑब्वियसली ये वेल लिंक सिस्टम था. 100% ऑफ इंस्टीट्यूशन हैड लिंक्स बिटवीन फाइनेंस, स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट रिकॉर्ड. 100% हैड लिंक्स बिटवीन लाइब्रेरी एंड स्टूडेंट मैनेजमेंट. 95% हैड लिंक फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. 91% हैड लिंक स्टूडेंट मैनेजमेंट एंड टाइम टेबल. 90% हैड लिंक स्टूडेंट मैनेजमेंट एंड वर्चुअल लर्निंग एनवायरमेंट VLE. 83% हैड लिंक फाइनेंस एंड स्टेट्स. 75% हैड लिंक ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसर्च सपोर्ट. सो अच्छा खासा ईआरपी जो था वो लिंक्ड सिस्टम था. अप्रोचेस टू इंटीग्रेशन क्या था, इन हाउस डू इट योरसेल्फ अप्रोच थी टू सिस्टम एंड इंटीग्रेशन. बाइंग एक्सटर्नल सिस्टम फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ वेंडर्स, देयर बाय ईदर रिड्यूसिंग इंटीग्रेशन इशूज और पासिंग देम ऑन टू वेंडर्स. एडहॉक इंटीग्रेशन यूजिंग डाटा डम्प्स एंड डाटा अडॉप्टर्स. यूजिंग अ सेंट्रल हब बिटवीन सिस्टम शेयरिंग डाटा. SOA or service oriented architecture, this approach is in which resources on a network are made available as independent services that can be accessed without knowledge of the underlying platform. Implementation was generally noted as an aspiration or destination rather than currently existing strategy. So service oriented architecture की जो approach थी ये जो है ये resources को network पे made available कर दिया था. ये सारी हर service जो है वो independent service थी. ये हमें हम कोई भी access कर सकता था, उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि किस platform पे ये implement हुआ हुआ है. और ये आपके लिए जो है एस्पायरेशन या डेस्टिनेशन बन गई आजकल की एक्सिस्टिंग स्ट्रेटजी की. बैरियर टू फर्दर इंटीग्रेशन क्या था, लैक ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ स्टाफ वगैरह था, लैक ऑफ इन हाउस स्किल्स, हमारे पास इतनी अच्छी स्किल इन हाउस नहीं थी, रेजिस्टेंस फ्रॉम एकेडमिक सर्विस
डिपार्टमेंट्स वांटिंग टू डू देयर ओन थिंग एंड प्रोटेक्ट देयर डाटा. जितनी भी सर्विसेज डिपार्टमेंट थे वो अपनी चीज़ों को छुपाना चाहते थे. लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन इशू एट सीनियर लेवल, और जो सिस्टम इंटीग्रेशन में इशूज थी उनके कोई सीनियर लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाला नहीं था. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द मल्टीपल यूजेस ऑफ डाटा एंड टू मच फोकस ऑन डाटा बीइंग यूज्ड फॉर लोकल पर्पसेस ओनली. और जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे ये समझना बड़ा मुश्किल था कि वही एक स्टूडेंट का नाम और पता जो है वो हर डिपार्टमेंट अलग क्यों करेगा, उसके लिए अलग अलग क्यों होना चाहिए, जबकि वही एक स्टूडेंट है, वही एक उसका नाम है, वही पता है. सो इसको अलग अलग क्यों यूज़ करना है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स वालों को ये नहीं समझ में आता था, रजिस्ट्रेशन वालों को ये नहीं समझ में आता था कि वो इसको शेयर क्यों करें. वो कहते हैं ये तो हमारा प्रोप्राइटरी डाटा है, लोकल पर्पस के लिए यूज़ होता है. रिस्क ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती थी, मोर एरर्स आएंगे. गुड इंटीग्रेशन कैन मेक इंटीग्रेशन इनविजिबल सो अनएप्रिशिएटेड बाय एंड यूजर. जो अच्छी इंटीग्रेशन हो जाएगी वो बिल्कुल नजर ही नहीं आएगी, तो वो कोई इसको अप्रिशिएट भी नहीं करेगा. टॉक ऑफ इंटीग्रेशन कैन लीड टू ओवर एम्बिशियस यूजर एक्सपेक्टेशन. और जब हम इंटीग्रेशन की बातें करते हैं तो यूजर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है. इंटीग्रेशन डजंट ऑलवेज रिजल्ट इन मोर यूजर इंगेजमेंट. और इंगेजमेंट इंटीग्रेशन का हरगिज ये मतलब नहीं है कि यूजर ज्यादा से ज्यादा इंगेज हो जाएगा. वेंडर्स कैन लूज इंथुजियाज्म लीविंग ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज बिड्स एंड अनफिनिश्ड वर्क. वेंडर्स जो हैं वो अपना इंथुजियाज्म लूज कर सकते हैं विद लार्ज बिल्स और अनफिनिश्ड वर्क के साथ, वो अपना जो इंथुजियाज्म है वो जाहिर बात है अनफिनिश्ड वर्क की वजह से उनका ख़त्म हो जाएगा. इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स कैन स्पायरल आउट ऑफ स्कोप, और वो भी एक स्पायरल बन जाएंगे और फिर इवेंचुअली वो स्कोप से बाहर चले जाएंगे. कोल्डगेट पाम ऑलिव की केस एग्जांपल करते हैं, देखते हैं, जिसने सक्सेसफुल ईआरपी लगाया था. उन्होंने क्या किया था कि 1990s कंपेटिटिव क्राइसिस था, यूज्ड अ डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्ड. उन्होंने डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर यूज़ किया, एक्सपेंसिव टू कोऑर्डिनेट, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन मुश्किल महंगी हो गई थी. स्लो टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट चेंजेस, वो स्लो टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट चेंजेस था. कंस्ट्रेंट ऑन कंपनी ग्रोथ बनता जा रहा था. विजन बिकम अ ट्रूली ग्लोबल कंपनी विद एन इंटीग्रेटेड बिजनेस इन्वायरमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस प्रोसेसेस. अब जो हाई लेवल पे विजन बना वो ये था कि ग्लोबल कंपनी बने, इंटीग्रेटेड बिजनेस इन्वायरमेंट हो और उनके बिजनेस प्रोसेसेस में एक ही स्टैंडर्ड चले. आफ्टर सेटिंग अप अ प्रोटोटाइप इन्वायरमेंट इन द यूएस एसएपी R3 मॉड्यूल convincingly proved itself as being functional and flexible worldwide. So उन्होंने फिर SAP का सिस्टम लिया, उसको उसका मॉड्यूल लगाया और फिर उन्होंने ये प्रूफ किया उस प्रोटोटाइप के साथ कि ये जो है फंक्शनल भी है और फ्लैक्सीबल है और यूज़ हो सकता है वर्ल्ड वाइड. किस काम के लिए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंस के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए. हैविंग सेविंग्स हैव बीन मेड इट operations savings have been made in IT operations. Complex decentralized IT infrastructure was streamlined, or saving banayi gayi IT operations mein, aur phir ek complex kisim ka decentralized IT infrastructure jo hai usko streamline kiya gaya. Implementation took 5 years and cost $430 million, but it was a success. The product delivery cycle dropped and purchasing and other costs were cut. अब implementation में 5 साल लगा, यहाँ पर rapid नहीं हो सकी. 43 million भी हुआ लेकिन product delivery cycle भी ख़त्म drop हुआ और purchasing और दूसरी जो कॉस्ट थी वो काफ़ी कम हुई. डेटा सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड वर क्लोज्ड फ्रॉम 75 डाउन टू 2. अब जो दुनिया भर में डेटा सेंटर्स उन्होंने बनाए हुए थे 75, उनमें से सिर्फ 2 रह गए. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स ग्लोबल डाटा नेटवर्क वाज आल्सो सिंप्लीफाइड. और वो जो कॉम्प्लेक्सिटी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आ रही थी उसको भी काफ़ी हद तक कम किया गया. सक्सेस ऑफ ERP सिस्टम्स फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट कन्विंसिंग एम्प्लॉइज दैट द कंपनी वॉज इन क्राइसिस एंड ओनली ड्रामेटिक चेंज को रेमेडिएट. सो सक्सेस ऑफ ERP ने ये भी सीनियर मैनेजमेंट को करने की मदद दी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कन्विंस कर सकें कि कंपनी क्राइसिस में थी और इसके लिए ड्रामेटिक चेंज की ज़रूरत है.
मिडलवेयर अगर ईआरपी काम ना करे तो मिडलवेयर क्या करती है, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन न्यू एंड ओल्ड, उनके पास बहुत सारी नई और पुरानी एप्लीकेशन होती हैं फ्रॉम वैरायटी ऑफ वेंडर्स रनिंग ऑन न्यूमरस प्लेटफॉर्म, इवन प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट होते हैं. रिप्लेसिंग और रीराइटिंग दिस सिस्टम इज नॉट एन ऑप्शन. सो क्या करें, वन ऑप्शन इज इम्प्लॉय अ क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स नोन एज मिडलवेयर. तो एक ऑप्शन ये है कि मिडलवेयर को इस्तेमाल कर लें, सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स बिटवीन एंड कनेक्ट्स एप्लीकेशन अलाउइंग देम टू शेयर डाटा, ऐसा सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन और सिस्टम के दरमियान चले और वो शेयर कर सके डाटा को. नीडेड एज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन यूज्ड एंड रन ऑन न्यूमरस प्लेटफॉर्म. और चूंकि बहुत सारी एप्लीकेशन बहुत सारे डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं तो ये चाहिए था. सिंप्लीफाइज डेवलपमेंट बाय एक्टिंग एज अ ग्लू दैट बाइंड्स द कंपोनेंट टुगेदर. तो इस मिडलवेयर के जरिए हम एक ग्लू बना देते हैं या एक हम टनल सी बना देते हैं जिसमें तमाम सिस्टम्स आके आ जाते हैं और फिर वहाँ से निकलता है. देयर इज़ अ वाइड वैरायटी अवेलेबल as illustrated in figure. So types of middleware used in client server application, inter application communication facility, link components, application programming interface APIs provide a standard way of interfacing, remote procedures called RPCs enable a dialogue between two geographically displaced application, object request brokered or ORBs allows applications or utilities to interwork in standard ways, message oriented middleware or MOM uses asynchronous message passing for inter application communication, transaction managers or handle transaction across multiple platforms jo hai wo standard QLE language SQL ka aapko pata hai, standardize the way in which database are accessed, TP monitor kicks for example monitor online transaction processing with a database, two phase commit a protective mechanism for transaction that fail to complete successfully, utilities provide general services like directory services, resource allocation, time services timing, security services encryption and so on, software distribution including configuration control. सिस्टम इंटीग्रेशन में मिडलवेयर पे हम आगे बात करते हैं. वन टाइप ऑफ मिडलवेयर दैट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी इज इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन विच इज़ कॉल्ड EAI. टिपिकली यूज अ मैसेज ब्रोकर टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन एप्लीकेशन. ये मैसेज के जरिए एप्लीकेशन के दरमियान डाटा को ट्रांसफर करती है एट अ न्यू लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी दैट डिस्टिंग्विशेस देम. सो ये इसमें न्यू लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी भी आ गया है. Allow user to define business processes, make data integration subject to rules that govern those processes. So इसलिए उनको जो है वो users को या define करने में आसानी करती है business processes को और वो data integration जो है उन rules पे करती है जो उन processes के में होते हैं. Example, a rule might state that data can only move from purchasing to accounts receivable when X has signed off on the purchase. So अगर किसी Mr. X ने जब तक sign नहीं किया data जो है वो purchase से account की तरफ नहीं जाएगा तो वो नहीं जाता. टेलीकम्युनिकेशन फर्म का केस देख लेते हैं. एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन उन्होंने EAI कैसे किया, प्रोसेसिंग कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर न्यू अपडेटेड सर्विसेज, मेजर कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन. इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट 65% ऑफ न्यू एंड चेंज ऑर्डर्स इन द टेलीफोन इंडस्ट्री हैव एरर्स दैट मस्ट बी करेक्टेड आफ्टर द फैक्ट. सो वो प्रोसेसिंग कस्टमर्स को के लिए न्यू और अपडेटेड सर्विस चाहते थे. ये मेजर कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ कस्टमर्स डिससेटिस्फेक्शन थी. ये एस्टिमेटेड था कि 65% ऑफ न्यू एंड चेंज ऑर्डर्स इन द टेलीफोन इंडस्ट्री हैव एरर्स दैट मस्ट बी करेक्टेड आफ्टर द फैक्ट. सो जब डॉलर्स उस पर खर्च कर दिए गए तो पता चला कि उनमें एरर्स हैं और उनको ठीक होना चाहिए. रादर देन बिल्डिंग अ न्यू सिस्टम कंपनी लुक्ड टू EAI टू ऑटोमेट द प्रोसेसेस यूजिंग थ्री एग्जिस्टिंग सिस्टम. तो उन्होंने अपने तीन एग्जिस्टिंग सिस्टम को EAI के जरिए इंटीग्रेट करने की कोशिश की. द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम था एक उनके पास विच कंटेन्स द कस्टमर इन्फॉर्मेशन. फिर उन्होंने ERP सिस्टम लिखा रखा हुआ था विच रिट्रीव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन टू वैलिडेट द रिक्वेस्ट एंड इंश्योर्स दैट द न्यू सर्विसेज इज कंपेटेबल विद द कस्टमर एग्जिस्टिंग सर्विसेज एंड द अकाउंटिंग सिस्टम विच कंटेन्स द प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन. तो ये तीन सिस्टम से उनको EAI के जरिए कैसे उसने इंटीग्रेट किया.
Therefore, resolutions means customer requests services at call center via the CRM. उन्होंने CRM बनाया जिसके जरिए वो request अपना customer भेजे. Customer name and address passed on to ERP system which retrieved necessary info. वहाँ से वो customer की जो नाम और address वगैरह था वो ERP में चला जाता था जो और information लाती थी. Mission accomplished, decreased processing cost. Errors eliminated, reduced customer churn, no new applications needed, existing applications not altered. So, ना नई applications लिखने की जरूरत पड़ी, ना existing application में कोई alteration करने की जरूरत पड़ी. एक enterprise application integration EAI बना दिया जिससे ये mission accomplished हो गया. So, अगर हम फाउंडेशन ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ आए तो हमें पता चलेगा कि स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या था. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम कोबॉल में प्रोग्रामिंग करते थे, पूरी हैंड रिटन प्रोग्रामिंग यानी सारा टाइपिंग करके हम पूरा सिस्टम बनाते थे और फिर वो सिस्टम में जहाँ कहीं प्रॉब्लम्स होती थी तो उनको रिजॉल्व करते फिरते थे. फिर जब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आई जिसमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट आ गया तो हमें थोड़ी सी आसानी हो गई. हमारे पास उसके साथ बहुत सारे पर्क्स आए जिनकी वजह से डाटा डिक्शनरी और वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स सब कुछ आ गया, स्क्रीनशॉट्स वगैरह आ गए जिसकी वजह से हमें बहुत सारी एडवांटेजेस उठाए और प्रोग्रामिंग आसान हो गई. फिर जब सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग उसके अंदर बिल्ट इन हो गई तो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग के जरिए हमें रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ आ गए. यानी हम पहले एक प्रोटोटाइप बनाते थे, वो उसको यूज़र को दिखाते थे, वो उससे खुश होता था तो उसको फिर हम ऑपरेशनल की तरफ लेके जाते थे. जब तक वो प्रोटोटाइप से खुश नहीं होता था प्रोटोटाइप में रीडिज़ाइनिंग होती रहती थी. फिर लेट सेवेंटीज़ में जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या केस आया जो आजकल उर्फ में हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं. उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वगैरह में उस पे उन्होंने एम्फेसिस किया और उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होनी चाहिए. उसके आने से बहुत फ़र्क पड़ा. रीयूजबिलिटी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा कि लेके चलें. वो रीयूजबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जब बन गई तो उसमें बहुत ज़्यादा हो गया. अब इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग आप ऑब्जेक्ट के लिए कोड बना देते थे और वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लिक एंड ड्रैग के जरिए जो है वो आप कहीं पे भी पुट कर देते थे, उसके पीछे की जो कोडिंग होती थी वो आ जाती थी. इससे बहुत बड़ा बहुत ही आसानी हो गई और इवन यूजर्स ने भी प्रोग्रामिंग शुरू कर दी. अब आपका जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स का यूज़ जो है वो कम हो गया. इनफैक्ट डेवलपमेंट में फिर वो मेंटेनेंस या उसकी मॉनिटरिंग वगैरह में काम करते रहे. फिर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आ गई. ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग जो है वो इसलिए आए थे कि हम जो है वो क्या कहते हैं जो हमारे पास मेन फ्रेम्स थे और पीसी की आने के बाद उन्होंने ये कहा कि मेन फ्रेम की स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए और पीसीस को इस्तेमाल करें ताकि हमारा पीसी का जो यूज़ है वो बढ़ता चला जाए. कुछ सक्सेसेस हुई लेकिन ज़्यादातर वो सक्सेसेस नहीं हुई. प्रॉब्लम्स हमारे पास ये आ रहे थे कि अब पीसीस पे सिस्टम दूसरे थे और मेन फ्रेम पे दूसरे थे, उनको आपस में इंटीग्रेट कैसे किया जा रहा है, ये ज़रा इशूज़ आ रहे थे जिसके लिए सिस्टम इंटीग्रेशन आया. सिस्टम इंटीग्रेशन में सबसे पहले सोल्यूशन ये आया कि आप ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोसेसिंग कर लें और उसमें ये होता था कि एक ही वेंडर से सारी चीज़ें ले लें जो कि ऑब्वियसली हर कंपनी के लिए ठीक नहीं था और उसके अपनी प्रोस एंड कॉन्स थे, जिसकी वजह से फिर ये सोल्यूशन आया है कि हम मिडलवेयर ले आएँ. एक हमारे पास एक या एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हों जो कि आप एक डाटा दूसरे डाटा के लिए ट्रांसलेट कर दें ताकि वो सीमलेसली काम करते चले जाएँ और इंटीग्रेशन हो जाए विदाउट एट टाइम्स चेंजिंग द प्रीवियस प्रोग्रामिंग. आपको उसमें कोई प्रीवियस सिस्टम प्रीवियस जो अलग अलग आपने चीज़ें ली हुई उसमें कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है. एक हमने अभी EAI की एग्जांपल देखी कि EAI के हिस्से के जरिए या दूसरे APIs वगैरह के जरिए हम कैसे आराम से डाटास को एक दूसरे के लिए अवेलेबल कर सकते थे और यूज़ कर सकते थे. विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर्स. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.